सो गैस आज के दिन यस बैंक के अंदर 3.92 करीब करीब 4% के आसपास अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। और इस मोमेंटम के पीछे कौन सा ऐसा राज छुपा हुआ है और साथ ही साथ गैस यस बैंक के अंदर हमको अपसाइड में कितने हद तक का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा और आप कहाँ पर टारगेट रख सकते हो उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना एंड ऑल्सो इन फ्यूचर यस बैंक रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आज के दिन मार्केट खुलते ही हमको एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था और आज के दिन गैप अप ओपन हो जाने के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 0.51% के आसपास थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो आज के दिन का वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, मगर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं हुआ है, मगर फिर भी थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है यस बैंक के अंदर आज के दिन। और साथ ही साथ ये वाला जो रेजिस्टेंस है 15.80 रुपीज़ के आसपास, ये रेजिस्टेंस को आज के दिन तोड़ने की कोशिश किया है। और अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार स्टिक पैटर्न जैसा पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है और साथ ही साथ इस पैटर्न के बाद हमको जो लगता है कि टारगेट इस हद तक टारगेट बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा 18.40 रुपीज़ के आसपास फाइनल टारगेट रहेगा। मगर उस टारगेट को हिट करने से पहले इस हद तक का टारगेट आप रख सकते हो 17.35 रुपीज़ के आसपास आप टारगेट रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए यस बैंक के रिगार्डिंग यही कुछ अपडेट निकल के आ रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो यस बैंक रिगार्डिंग इन फ्यूचर अपडेट पाने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।